अस्सलाम वालेकुम क्लास 3rd ईयर। आज हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ना है वो है तलब में तगैरात के असबाब, यानी तलब में तगैरात तब्दीली के जो जो वजूहात हैं वो इसमें बयान करेंगे। किसी शय की तलब पर बहुत से अवामिल असरअंदाज होते हैं, किसी चीज़ की तलब पर बहुत से अवामिल असरअंदाज होते हैं जिनमें तब्दीली की वजह से तलब में तगैरात नुमा रूनुमा होते हैं। जब उन चीज़ों में तब्दीली आती है, उन अवामिल में तब्दीली आती है, तो इन अवामिल की बिना पर जो जो तलब में तब्दीलियाँ आती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इनमें चंद अहम अवामिल मंदरजा झैल हैं। नंबर एक है शय की कीमत में तब्दीली। कानून तलब की रूह से जब किसी शय की कीमत में इजाफा होता है तो इसकी तलब कम हो जाती है, और कीमत कम होने पर तलब में इजाफा हो जाता है। बस शय की कीमत में तब्दीली इसकी तलब में तब्दीली का सबब बनती है। सबसे मेन चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है किसी चीज़ की तलब में तब्दीली की वजह क्या बनती है? सबसे मेन चीज़ कीमत। अब वही चीज़ वो बता रहे हैं कि जब किसी चीज़ की कीमत में इजाफा होता है, किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो उसकी तलब कम कर दी जाती है, उसकी डिमांड कम कर दी जाती है। और इसी तरह जब किसी चीज़ की कीमत कम होती है तो उसकी डिमांड में, उसकी तलब में इजाफा कर दिया जाता है। बस शेयर की कीमत में तब्दीली जो है वो उसकी तलब में तब्दीली की वजह बनती है, पहली चीज़। दूसरी जो इसमें दूसरा पॉइंट है वो है सार्फिन की आमदनी में तब्दीली। अगर लोगों की आमदनी में इजाफा हो जाए तो इनकी कुव्वत खरीद बढ़ जाती है, यानी उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, चीज़ों को ख़रीदने की कुव्वत बढ़ जाती है, और अशिया की तलब में इजाफा हो जाता है। ऑब्वियसली जब इंसान की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, इंसान की कुव्वत ख़रीद बढ़ेगी, तो वो ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करेगा और उसकी तलब में इजाफा हो जाएगा। इसके बरक्स लोगों की आमदनी कम होने पर अशिया की तलब में कमी बाकी हो जाती है, और जब लोगों की आमदनी कम होती है, उनके पास इतना पैसा नहीं होता, तो वो चीज़ों की तलब भी कम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, सार्फीन की तादाद में तब्दीली। अगर आबादी में इजाफे की वजह से ख़रीदारों की तादाद बढ़ जाए तो अशिया की तलब में इजाफा हो जाता है। अगर आबादी बढ़ गई है, एक घर के खाने वाले जहाँ पहले 4 अफराद थे अब 5 अफराद हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है उस घर की तलब क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जबकि आबादी कम होने की सूरत में सार्फिन की तादाद कम होने के साथ साथ अशिया की तलब में भी कमी वाकई हो जाती है, और जब आबादी कम हो जाती है, लोगों की तादाद कम हो जाती है, तो उनकी तलब भी कम हो जाती है। पॉइंट नंबर 4 है पसंद, फैशन और रस्म व रिवाज में तब्दीली। जो चीज़ फैशन से खारिज हो जाए या फैशन में ना रहे या लोग इसे पसंद ना करें, इसका रिवाज ख़त्म हो जाए, तो इसकी तलब कम हो जाती है। और जो चीज़ फैशन में दाखिल हो जाए या लोग इसे पसंद करने लगे, तो इसकी तलब में इजाफा हो जाता है। ये तो जैसे हमारे आम रोज़मर्रा की रूटीन में हमें ये चीज़ नज़र आती है कि जो चीज़ फैशन में होती है लोग उसी चीज़ को ज़्यादा ख़रीदना पसंद करते हैं और उसी चीज़ को ख़रीदते हैं, और जो चीज़ फैशन में नहीं होती उसको ख़रीदना पसंद नहीं करते। फिर है पॉइंट नंबर 5 है मुतबादल अशिया की कीमतों में तब्दीली। अगर शय के नेमुल बदल की कीमत में कमी बेशी आ जाए तो इसका असर मतलूबा शय की तलब पर भी पड़ता है। मसलन अगर गंदम के मुकाबले में चावल महंगा हो जाए तो लोग गंदम की तलब में इजाफा करें। नेमुल बदल यानी उस चीज़ की अल्टरनेटिव। अगर उस अल्टरनेटिव चीज़ की प्राइस में कोई चेंज आ जाए तो उससे जो चीज़ मतलूबा शय यानी जो चीज़ आप ले रहे होते हैं उसकी तलब पर भी असर पड़ता है। मसलन जैसे गंदम के मुकाबले में चावल महंगा हो जाए, गंदम का अल्टरनेटिव क्या है? चावल। उसका गंदम के मुतबादल क्या है? चावल। अगर चावल महंगा हो जाए तो लोग गंदम की तलब में इजाफा करेंगे, जबकि चावल की कीमत में कमी से गंदम की तलब कम हो सकती है क्योंकि लोग चावल की ख़रीदारी में इजाफा कर देंगे। मौसमी हालात में तब्दीली। मौसम में तब्दीली भी अशिया की तलब पर असरअंदाज होती है। मसलन सर्दियों में गर्म अशिया की तलब बढ़ जाती है और मौसम गर्मा में बर्फ़ और ठंडे मशरूबात की तलब में इजाफा हो जाता है, जबकि मौसम सरमा में इन अशिया की तलब में नुमायाँ कमी वाकई हो जाती है। जैसे जैसे मौसम चेंज होता है,
हालात चेंज होते हैं, इंसान की तलब जो है उन चीज़ों के लिए बदलती रहती है। जैसे अभी इसमें जिक्र किया गया कि सर्दियों में गर्म कपड़ों की ज़्यादा तलब होती है, जबकि गर्मियों में गर्म कपड़ों की तलब नहीं होती है। इसी तरह गर्मियों में बर्फ़ की ज़्यादा तलब होती है, ठंडे मशरूबात की ज़्यादा तलब होती है, जबकि सर्दियों में इसकी तलब में काफ़ी कमी वाकई हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कारोबारी हालात में तब्दीली। अगर कारोबारी हालात बेहतर हों, तजारत को फ़रोग हासिल हो, अशिया का लेन देन ज़ोरों पर हो, तो अशिया की तलब बढ़ जाती है। यानी जो तजारत है वो हमारी काफ़ी अच्छे से जा रही हो और अशिया का लेन देन, अशिया की ख़रीदारी जो है वो उसमें इजाफा हो, तो अशिया की तलब बढ़ जाती है। जबकि तजारती मंदे और सरबाजारी के दिनों में, जिन दिनों में कारोबारी हालात बिल्कुल ख़राब होते हैं, उन दिनों में अशिया की तलब वाज़े तौर पर घट जाती है। पॉइंट नंबर 8 है लोगों की ज़हनी कैफियत में तब्दीली। अगर लोग सादगी पसंद और किफ़ायत शार हों, तो अशिया की तलब कम हो जाती है। लोग जितना चीज़ों को सादगी से इस्तेमाल करें और किफ़ायत शारी के साथ इस्तेमाल करेंगे, तो वो उतना ही चीज़ों का इस्तेमाल कम करेंगे और उनकी तलब कम हो जाएगी। इसके बरक्स अगर वो नमूदो नुमाइश और फजूल खर्ची की तरफ रागिब हो जाएं, तो अशिया की तलब में इजाफा हो जाता है। और अगर लोग दिखावे की तरफ ज़्यादा आ जाएं, तो जाहिर सी बात है दिखावे के लिए फिर इंसान फजूल खर्ची पर ज़्यादा फोकस करता है। तकसीम दौलत में तब्दीली। अगर मुआशरे में दौलत की तकसीम गैर मुसावियाना हो, यानी दौलत की तकसीम बराबर ना हो, तो उम्रा फजूल खर्ची की वजह से चंद मखसूस अशिया की तलब बढ़ा देते हैं। जबकि गुरबा को महज ज़रूरियात ज़िंदगी हासिल करने के लिए भी मतलूबा आमदनी मुयसर नहीं आती, यानी गरीब लोगों के पास इतनी आमदनी भी नहीं होती कि वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात, बेसिक नेसेसिटीज़ को भी पूरा कर सके, क्योंकि दौलत की तकसीम जो है वो गैर मुसावियाना है, अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। लिहाजा आम अशिया की तलब कम हो जाती है, दौलत की मुसावियाना तकसीम से मुतवसत तबका जन्म लेता है, आम लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ जाती है और ज़रूरियात की अक्सर अशिया की तलब में इजाफा हो जाता है। बचत में तब्दीली। अगर लोग अपनी आमदनियों का ज़्यादा हिस्सा पसे अंदाज करना शुरू कर दें, यानी सेव करना शुरू कर दें, तो सरफे दौलत में कमी के बायस अशिया की तलब कम हो जाती है। लोग ज़्यादा सेव करेंगे तो कंज्यूम कम करेंगे, दौलत का खर्च कम करेंगे, जिसके बायस चीज़ों की तलब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जबकि सर्फ के रुझान में इजाफे से बचत कम हो जाती है। जितना लोगों का रुझान खर्च की तरफ ज़्यादा होगा, उतनी बचत कम होगी और अशिया की तलब बढ़ जाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लचक। अब हम बात करेंगे इलास्टिसिटी की। कानून तलब सिर्फ इस बात की वजाहत करता है कि कीमत में तब्दीली की बिना पर तलब किस सिमत में तब्दील होगी, यानी कीमत में कमी से तलब में इजाफा, जबकि कीमत में इजाफे से तलब में कमी होती है। अब हम ये बात कर रहे हैं कि इसमें कानून तलब ये कहता है, हमने अभी तक जो पढ़ा है उसमें कानून तलब ये कहता है कि जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो उसकी तलब कम हो जाती है, और कीमत कम होने पर तलब ज़्यादा हो जाती है। लेकिन कानून तलब इस अमर की वजाहत नहीं करता कि कितनी कीमत में कमी से तलब में कितने गुना इजाफा होगा। ये कानून हमें ये नहीं बताता कि हमारी कीमत में कितनी तब्दीली आई है और उसके नतीजे में तलब में कितनी तब्दीली आई है, यानी कीमत में होने वाली तब्दीली के नतीजे में तलब में होने वाली तब्दीली की शिद्दत की वजाहत कानून तलब नहीं करता। इसकी वजाहत लचक की मदद से की जा सकती है। लहजा लचक की तारीफ अल्फर्ड मार्शल ने अपनी किताब असूल मौशियात प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में इस तरह की है। तलब की कीमत लचक से मुराद किसी शय की तलब में तब्दीली की वो नस्बती शरह ली जाती है जो इसकी नस्बती कीमत तब्दील होने पर वाकई हो। लचक हमें ये बताती है, तलब की लचक जो है वो हमें ये बताती है कि किसी शय की कीमत में किस नस्बत से तब्दीली आई, यानी कितने परसेंट तब्दीली आई, कितने रेट से तब्दीली आई, और उसके बदले में तलब में किस नस्बत से तब्दीली आई। प्रोफेसर स्टेनर एंड हैक के मुताबिक
किसी शय की कीमत में नस्बती तब्दीली के पेश नज़र उसकी तलब में दर्जा हसासियत की पैमाइश को तलब की कीमत लचक कहते हैं। किसी शय की कीमत में तब्दीली के पेश नज़र यानी जब किसी शय की कीमत तब्दील होती है तो उसके नतीजे में जो तलब में दर्जा हसासियत है यानी तलब जो रिस्पॉन्स करती है उस कीमत में तब्दीली को, जो तलब रिस्पॉन्स करती है उसकी पैमाइश को तलब की कीमत लचक कहते हैं। यानी तलब जब कीमत में चेंज होने की वजह से रिस्पॉन्स देती है तो तलब में भी ऑब्वियसली चेंज आता है, उस चेंज की पैमाइश को जो है वो तलब की कीमत लचक कहते हैं। प्रोफेसर फर्गुसन के मुताबिक तलब की लचक किसी शय की निस्बती कीमत में तब्दीली के पेश नज़र इसकी मिकदार तलब में रद्द अमलियत का दर्जा है। यानी जो मिकदार तलब रद्द अमल के तौर पर तब्दीली लाता है, जब कीमत में तब्दीली आती है तो उसके रद्द अमल में जो मिकदार तलब में तब्दीली आती है उस चीज़ को प्रोफेसर फर्गुसन ने तलब की लचक का नाम दिया है। हम इसकी सादा अल्फाज में बयान कर सकते हैं, किसी शय की मिकदार तलब में वो नस्बती तब्दीली जो इस शय की कीमत में नस्बती तब्दीली की वजह से हो तलब की कीमत लचक कहलाती है। नेक्स्ट हमारा है लचक। एक मुतगैर में वो नस्बती तब्दीली जो कि किसी दूसरे मुतगैर में नस्बती तब्दीली की वजह से हो लचक कहलाती है। इसमें वो ये बता रहे हैं मुतगैर से मुराद है हर वो चीज़ जिसमें चेंज आता है, जिसमें तब्दीली आती है। एक मुतगैर में वो नस्बती तब्दीली यानी एक मुतगैर से मुराद यहाँ पर क्या हो सकता है, कीमत हो सकती है, जो कि किसी दूसरे मुतगैर में नस्बती तब्दीली, दूसरा मुतगैर तलब, इसमें नस्बती तब्दीली की वजह से हो लचक कहलाती है। एक मुतगैर में वो फीसद तब्दीली जो कि दूसरे मुतगैर में फीसद तब्दीली की वजह से हो लचक कहलाती है। तलब की लचक की कोई भी किस्म हो इसके पांच दर्जे होते हैं जिनमें से दो आम और तीन मुस्तस्ना होते हैं। नंबर एक है मुकम्मल तौर पर गैर लचकदार या सिफर लचकदार, जीरो इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक। नंबर टू है लामहदूद लचक, इन्फिनिट इलास्टिक या मुकम्मल तौर पर लचकदार, परफेक्टली इलास्टिक। नंबर तीन है ज्यादा लचकदार, मोर इलास्टिक या लचकदार इलास्टिक। नंबर चार पे है बराबर लचकदार या इकाई के बराबर लचक, जिसे यूनिट इलास्टिक बोलते हैं। और नंबर पांच पे है कम लचकदार, लेस इलास्टिक या गैर लचकदार, इन इलास्टिक। सबसे पहले हम देखेंगे तलब की लचक बचा कीमत के दर्जे। मुख्तलिफ अशिया और खिदमात की नस्बती कीमत में तब्दीली की वजह से इनकी तलब में नस्बती तब्दीली की शिद्दत मुख्तलिफ दर्जों की होती है। अब यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि कीमत में जिस नस्बत से तब्दीली आई है तलब में उसी नस्बत से तब्दीली नहीं आती। बाज़ औक़ात तलब में ज़्यादा नस्बत से तब्दीली आती है, बाज़ औक़ात जितनी नस्बत से कीमत में तब्दीली आती है उतनी ही नस्बत से तलब में तब्दीली आती है, और बाज़ औक़ात कीमत में नस्बती तब्दीली कम होती है और तलब में नस्बती तब्दीली ज़्यादा होती है, और बाज़ दफ़ा कीमत में बहुत ज़्यादा नस्बती तब्दीली से तलब में मामूली नस्बती तब्दीली होती है। नंबर वन पॉइंट में तलब की सिफर लचक या मुकम्मल तौर पर गैर लचकदार। जब कीमत में नस्बती तब्दीली के बावजूद तलब में कोई नस्बती तब्दीली वाकई ना हो, यानी कीमत में तब्दीली आती जाए उसके बावजूद तलब में कोई तब्दीली ना आए, तो खते तलब एक्स मेवर पर बिल्कुल अमूदी हो जाता है, जैसा कि आपको डायग्राम नज़र आ रहा है। डी डी खते तलब है, ये वर्टिकल बना हुआ है, इसे अमूदी बोलते हैं। जब इसमें अगर हम देखें पी वन प्राइस थी उस पर हमारी क्वांटिटी क्यू वन थी, और जब हमारी प्राइस पी वन से बढ़कर पी टू हुई तो हमारी क्वांटिटी तब भी क्यू वन ही थी, और इन दोनों पॉइंट्स को मिला दे तो हमारे पास डिमांड कर्व डी डी बन जाता है, जो कि बिल्कुल अमूदी है, वर्टिकल है, जो इस बात को शो कर रहा है कि कीमत में तब्दीली के बावजूद तलब में कोई तब्दीली नहीं आई। ऐसी तलब की लचक को सिफर लचक या मुकम्मल तौर पर गैर लचकदार खत तलब कहते हैं। ऐसी तलब इन अशिया की होती है जो कि ज़िंदगी को कायम रखने से मुंसलिक हों, मसलन ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात जैसे शुगर के मरीज के लिए इंसुलिन, या ऐसी अशिया जो कि नशा की हद तक आदत बन चुकी हों, मसलन शराब, हीरोइन वगैरह। मंदरजल डायग्राम से इसकी वजाहत की जाती है। देखते हैं खते तलब डी टी
एक्स महवर के अमूदी है। जब कीमत P1 थी तब भी Q1 मिकदार खरीद की जा रही थी, मगर जब कीमत बढ़कर P2 हुई तब भी Q1 मिकदार ही खरीद की जाती रही। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, जो पॉइंट सेकंड है वो है तलब की लामहदूद लचक या मुकम्मल लचकदार खत तलब, परफेक्टली और इनफिनिटली इलास्टिक डिमांड। जब कीमत में बहुत ही मामूली सी तब्दीली से तलब में लामतनाही नस्बती तब्दीली आ जाए, लामतनाही यानी ना ख़त्म होने वाली बहुत ज़्यादा तब्दीली आ जाए, तो खत तलब मुकम्मल तौर पर लचकदार हो जाता है, और ऐसी शय की तलब को तलब की लामहदूद लचक कहते हैं। मसलन ऐसा खत इन अशिया का होता है जिनका मुकम्मल नेमुल बदल मार्केट में मौजूद होता है, यानी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स मौजूद होते हैं, और अगर इनकी कीमत में मामूली सा भी इजाफा हो तो सार्फीन इसकी तलब को बिल्कुल ख़त्म करके दूसरी जगह से शेयर को ख़रीदना शुरू कर देते हैं। जैसा कि डायग्राम से वाजह है कि जब खते तलब डी डी एक्स महवर के मुतवाजी हो जाए। अब आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है डी डी जो कर्व है, डिमांड कर्व, ये बिल्कुल पैरेलल हो गया है एक्स एक्सिस के, जो ओ क्यू है हमारा एक्स एक्सिस पे उसके बिल्कुल पैरेलल हो गया है, तो ये इनफिनिटली इलास्टिक है यानी गैर लचकदार, मुकम्मल तौर पर मुकम्मल लचकदार। सार्फीन P1 कीमत पर इस शेयर की लामहदूद तलब रखते हैं, मगर जैसे ही कीमत में मामूली सी इजाफा हो तो इसकी तलब सिफर होती है। मिसाल के तौर पर एक कॉलेज की कैंटीन पर बोतल 15 रुपये की मिल रही हो और वही बोतल बाहर की दुकान पर भी 15 रुपये की हो, तो तालिब इल्म कॉलेज से बोतल खरीदना पसंद करेंगे, मगर कॉलेज की कैंटीन बोतल की कीमत को 20 रुपये करें तो तलबा वहाँ से छोड़ देंगे और बाहर से पियेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ज़्यादा लचकदार या लचकदार खते तलब। जब किसी शेयर की मिकदार तलब में नस्बती तब्दीली इसकी कीमत में नस्बती तब्दीली से ज़्यादा हो तो इस सूरत में खते तलब लचकदार होगा, यानी कीमत में कम नस्बत से तब्दीली आए और तलब में ज़्यादा नस्बत से तब्दीली आए, और वो एक्स महवर की तरफ चिपटा हो जाएगा, फ्लैटर हो जाएगा। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो हमारा कर्व है डिमांड कर्व, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होने की कोशिश कर रहा है। जो फ्लैटर कर्व होता है, जो चिपटा हुआ खत होता है, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होने की कोशिश करता है। ऐसी तलब की लचक इन अशिया की होती है जो तईशात यानी लग्जरीज के ज़िम्मे में आती हैं, मसलन LED TV, फ्रिज, कार, एयर कंडीशनर वगैरह। इस किस्म के खते तलब को लचकदार या ज़्यादा लचकदार भी कहते हैं, मोर इलास्टिक। इनकी प्राइसेस में अगर आप देखें, डायग्राम में देखें, प्राइस P1 से P2 होती है, प्राइस में चेंज कम है और क्वांटिटी हमारी Q1 से बढ़कर Q2 हो जाएगी, क्वांटिटी में चेंज ज़्यादा आया है। इसी तरह जब हमारी प्राइस P2 से कम होकर P3 हो जाती है तो हमारी क्वांटिटी Q1 से होकर आगे मज़ीद ज़्यादा बढ़ जाती है प्राइस की नस्बत, तो हमारी प्राइस में कम चेंज आ रहा है और उसकी नस्बत हमारी क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज आ रहा है। नेक्स्ट है बराबर लचकदार खते तलब, यूनिट इलास्टिक और इक्वल इलास्टिक डिमांड कर। जब किसी शेय की मिकदार तलब में नस्बती तब्दीली और इसकी कीमत में नस्बती तब्दीली बराबर हो तो खते तलब बराबर लचकदार कहलाता है। ये किसी भी शेय की सूरत में हो सकता है, यानी जिस नस्बत से हमारी कीमत में तब्दीली आई है उसी नस्बत से हमारी तलब में भी तब्दीली वाकई हो। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है इस डायग्राम में, हमारी प्राइस में जितना चेंज आया है उतना ही हमारी क्वांटिटी में चेंज आया है। प्राइस हमारी P1 से कम होकर P2 होती है तो क्वांटिटी हमारी Q1 से बढ़कर Q2 हो जाती है, यानी जितना प्राइस में चेंज है उतना ही क्वांटिटी में चेंज है, इसलिए इसे यूनिट इलास्टिक और इक्वल इलास्टिक डिमांड कर्व कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गैर लचकदार या कम लचकदार खते तलब।
जब किसी शय की मिकदारे तलब में निस्बती तब्दीली इस शय की कीमत में निस्बती तब्दीली से कम हो तो इस शय की तलब कम या गैर लचकदार कहलाती है। यानी कीमत में ज़्यादा निस्बती तब्दीली हो जबकि तलब में निस्बती तब्दीली मामूली सी हो तो ऐसी सूरत में खते तलब तिरछा होता है, इसको हम स्टीपर बोलते हैं। अब इसमें ये बात कर रहे हैं जब किसी शय की मिकदार तलब में निस्बती तब्दीली यानी तलब में तब्दीली जो है वो उसकी कीमत की निस्बत तब्दीली से कम आए, कीमत में ज़्यादा निस्बत से तब्दीली आए और उसके मुकाबले में तलब में कम निस्बत से तब्दीली आए तो इस शय की तलब कम या गैर लचकदार कहलाती है। इसमें अगर आप देखें आपकी प्राइसेस में ज़्यादा चेंज आया बनिस्बत क्वांटिटी के, प्राइस आपकी P1 से P2 या कम होकर क्वांटिटी उसके मुकाबले में Q1 से Q2 तक थोड़ा सा इजाफा हुआ है, प्राइस में ज़्यादा इजाफा हुआ है। और इसमें हमारा जो डिमांड कर्व है खते तलब वो स्टीपर है, तिरछा है, जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल होने की कोशिश करता है। जो स्टीपर कर्व होता है वो वाई एक्सिस के पैरेलल होने की कोशिश करता है और जो फ्लैटर कर्व होता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होने की कोशिश करता है। और इसके ऊपर लिखा हुआ है ई लेस देन 1, यानी इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, गैर लचकदार या कम लचकदार खते तलब। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है तलब की कीमत लचक की पैमाइश। तलब की लचक की पैमाइश के मंतजे तीन तरीके हैं, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। पहला तरीका इसमें ये है कुल खर्च का तरीका, जिसे हम एक्सपेंडिचर और टोटल आउटलेट मेथड बोलते हैं। फीसद का तरीका परसेंटेज और फ्लक्स मेथड, और नंबर थर्ड है ग्राफी तरीके से ग्राफिक मेथड। पहला तरीका है कुल खर्च का तरीका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। किसी शय की तलब की लचक का अंदाज़ा सारे के कुल अखराजात में होने वाली तब्दीली की बिना पर भी लगाया जा सकता है। ये तरीका डॉक्टर मार्शल ने मुतारिफ करवाया। कुल अखराजात मिकदारे तलब और शेयर की कीमत को ज़रब देने से हासिल होते हैं। जैसे कि आप फॉर्मूला देख रहे हैं हमारे पास जो टोटल एक्सपेंडिचर है कुल अखराजात हैं वो कैसे हासिल हो रहे हैं। आप चीज़ की प्राइस को, जो भी चीज़ आप ख़रीद रहे हैं उसकी प्राइस को उस चीज़ की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। जितनी चीज़ आप वो ख़रीद रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास कुल अखराजात आ जाएंगे। अब इस कुल अखराजात में जैसे जैसे तब्दीली होगी उसकी बिना पर आपको तलब की लचक का अंदाज़ा होगा। सबसे पहला है इकाई के बराबर तलब की लचक। अब हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कुल खर्च के तरीके से। पहला है इकाई के बराबर तलब की लचक। जब कीमत में इजाफा या कमी से सारिफ के कुल अखराजात में कोई तब्दीली ना आए ऐसी सूरत में तलब की लचक इकाई के बराबर होगी। अब इसमें अगर हम गोशवारे में देखें हमारे पास एक कॉलम में कीमत है, दूसरे में तलब और तीसरे में अखराजात। कीमत हमारी 8 थी तो तलब हमारी कितनी थी? 2। 8 को 2 से ज़रब दें अखराजात कितने आ जाएंगे? 16। इसी तरह कीमत हमारी 8 से कम होकर 4 हुई तो हमारी तलब 2 से बढ़कर 4 हो गई। 4 को 4 से ज़रब दें अखराजात 16। अब इसमें कीमत में तब्दीली आ रही है, कीमत कम हो रही है लेकिन उसके बावजूद कुल अखराजात में कोई तब्दीली नहीं आ रही, तो ऐसी सूरत में हमारी तलब की लचक क्या होगी? इकाई के बराबर होगी। याद रहे ये तरीका हम कुल खर्च का तरीका अपना रहे हैं तलब की लचक मालूम करने के लिए। दूसरा इसमें है इकाई से ज़्यादा लचक, ग्रेटर देन यूनिटी। जब किसी शय की कीमत में निस्बती इजाफा से सारिफ के अखराजात में कमी और कीमत में कमी से अखराजात में इजाफा हो जाए तो ऐसी शय की तलब ज़्यादा लचकदार या इकाई से ज़्यादा होगी। जैसा कि आप गोशवारे से देख रहे हैं एक कॉलम में कीमत है, दूसरे में तलब है और तीसरे में अखराजात हैं। कीमत हमारी 8 से कम होकर 4 पर आती है, तलब हमारी 2 से बढ़कर 6 पर आ जाती है। पहले वाले कॉलम में कीमत और तलब को ज़रब दें, 8 को 2 से ज़रब दें तो 16 आ जाएगा और 4 को 6 से ज़रब दें तो 24 आ जाएगा। अब जब कीमत कम हो रही है तो हमारे कुल अखराजात बढ़ रहे हैं, और कीमत बढ़ने पर कुल अखराजात कम हो रहे हों तो ऐसी सूरत में तलब की लचक इकाई से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है इकाई से कम लचक।
जब किसी शय की कीमत में कमी से सार्फ के कुल अखराजात में कमी हो जाए और कीमत में इजाफा से सार्फ के अखराजात में इजाफा हो जाए तो तलब की लचक से कम होगी। इस गोशवारे में अगर हम देखें कीमत हमारी 8 से कम होकर 4 हुई है और तलब हमारी 2 से बढ़कर 3 हो गई है। कीमत और तलब को ज़रब दें, 8 को 2 से ज़रब दें तो 16, 4 को 3 से ज़रब दें तो 12। अब कीमत हमारी 8 से कम होकर 4 हुई तो हमारे अखराजात भी 16 से कम होकर 12 हो गए हैं। ऐसी सूरत में हमारी जो है वो तलब की लचक क्या होगी? इकाई से कम होगी। इसकी मजीद वजाहत मंदरजा झैल गोशवारे की मदद से भी की जा सकती है। अभी एक पूरा गोशवारा बना दिया गया है जिसमें तलब की लचक इकाई से ज्यादा, इकाई से बराबर और इकाई से कम दिखाई गई है। पहले कॉलम में हमारे पास कीमत है, दूसरे कॉलम में तलब है और तीसरे कॉलम में अखराजात है और चौथे कॉलम में लचक है। कीमत हमारी देखिए 10 से कम होकर 9, 9 से 8 और 8 से 7, और तलब हमारी 1 से बढ़कर 2, 2 से 3 और 3 से फिर 4। अब ये अभी हम सिर्फ तलब की लचक इकाई से ज़्यादा वाले कॉलम को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें 10 को 1 से ज़रब दिया 10, 9 को 2 से ज़रब दिया 18 और इसी तरह इनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास 10, 18, 24 और 28 वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब इधर हम देखें हमारी कीमत कम हो रही है 10, 9, 8, 7 और हमारे अखराजात बढ़ रहे हैं 10, 18, 24 और 28। तो हमारी जब प्राइस बढ़े और अखराजात कम हो और प्राइस कम हो अखराजात ज़्यादा हो तो हमारी तलब की लचक इकाई से ज़्यादा होती है। यानी जब कीमत में और अखराजात में रिवर्स रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन होगा, उल्टा रिलेशन होगा, यानी एक चीज़ बढ़ेगी और दूसरी कम होगी तो ऐसी सूरत में हमारी तलब की लचक इकाई से ज़्यादा होगी। और उसके बाद आ जाए तलब की लचक इकाई के बराबर में, जब हमारी कीमत 6 से कम होकर 5 होती है तो हमारी तलब 5 से बढ़कर 6 हो जाती है और हमारे अखराजात सेम रहते हैं 30। इस सूरत में प्राइस अगर ज़्यादा हो या कम हो, हमारा कुल अखराजात या टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहे तो ऐसी सूरत में तलब की लचक इकाई के बराबर होती है। नेक्स्ट है कीमत हमारी 4 से कम होकर 3 और 3 से कम होकर 2 होती है तो ऐसी सूरत में हमारी तलब 7 से बढ़कर 8 और फिर 8 से बढ़कर 9 हो जाती है और हमारे अखराजात 28, 24 और 18 हैं। हमारी कीमत कम हो रही है और अखराजात भी कम हो रही हो तो ऐसी सूरत में तलब की लचक इकाई से कम होती है जब कीमत में और अखराजात में पॉजिटिव रिलेशन हो। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा।